नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विवाद जारी। उदयनिधि स्टालिन जो हैं, उनके बयान का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी समर्थन किया। ऐसे में ये नेता अब आलोचनाओं के घेरे में हैं और उनके खिलाफ कई जगह केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी के विरोध में उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में FIR दर्ज कराई। कुछ वकीलों ने अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस में FIR दर्ज कराई। बिहार के मुजफ्फरपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक याचिका दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि उदयनिधि के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। उत्तर प्रदेश में याचिकाकर्ता वकील की क्या दलील है, आइए पहले आपको वो सुना। इस प्रकार की टिप्पणियों से, इस प्रकार की अभद्र भाषण से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैंने और हमारे पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन रामपुर श्री राम सिंह लोधी ने एक तहरीर पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को दी, जिस पर उन्होंने थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है हमारा 153A और 295A IPC। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, नियमानुसार कार्रवाई चाहते हैं। इससे पहले 262 गणमान्य लोगों, जिसमें कई पूर्व जज, रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व सेना अधिकारी शामिल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा, जिसमें मांग की गई कि उदयनिधि स्टालिन के नफरती बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि यह बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, हिंसा को भड़का सकता है। पत्र में यह कहते हुए तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई कि उसने सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के नफरती बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये उस पत्र का कुछ अंश है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उधर उदयनिधि स्टालिन का क्या कहना है आपको वो बता दें। वो अपने खिलाफ दायर होने वाले किसी भी केस को सामना करने के लिए तैयार। आपको ये भी बता दें कि बीते शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए, जैसे कि मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, उसका खात्मा किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सनातन धर्म का भी खात्मा किया जाना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, तमिल भाषा में बोला, आइए आपको सुना। एदिर्क मुडियादु कोसु डेंगू काइचल मलेरिया கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். உதயநிதி ஸ்டாலின் கே இஸ் பயான் கே பாத் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி விபக்ஷி கட்பந்தன் இந்தியா பர் தாபட்தோட் ஹம்லே கர் ரஹி, பிஜேபி இந்தியா கட்பந்தன். इस बयान को लेकर खुद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में एक बेचैनी है, जो कि लगातार देखने को मिली है, क्योंकि कई दलों ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी ने तो तुरंत ही खुद को DMK नेता के बयान से अलग कर दिया। वो बात अलग है कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने अपने आप को इससे अलग कर दिया। ये कैसे होता है समझ में नहीं आता। तृणमूल कांग्रेस ने तो उदयनिधि के बयान की आलोचना भी की और कहा कि विपक्षी गठबंधन को ऐसे बयानों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, कोई संबंध है ही नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस मसले पर आक्रामक तेवरों में दिख रहा। सूत्रों के हवाले से आज खबर आई है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में कूद पड़े हैं। यह उनका पहला बयान है, उदयनिधि स्टालिन के बयान। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में यह कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का ठीक से जवाब दिया जाए, यानी कि इसका तर्क यह है कि अब तक शायद ठीक से जवाब नहीं दिया गया है बीजेपी द्वारा। तो ठीक से जवाब देने का मतलब क्या है,
वो अब देखते बनेगा, क्योंकि राजनीतिक अखाड़े में कुछ चुनाव भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत बनाम इंडिया के विवाद पर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से बयानबाजी से बचने की सलाह दी, तो उदयनिधि स्टालिन के बयान से यह साफ है कि उसका राजनीतिक जवाब निश्चित ही दिया जाए। यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में मंत्रियों को और बाकियों को भी ये बता दिया गया है कि उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान पर आप उचित जवाब दीजिए और भारत बनाम इंडिया वाली जो बातचीत चल रही है उस पर आप बयान से बचिए। यानी कि किस तरफ बात घूम करके जाएगी ये आपको इससे अंदाजा लग जाए। वो राजनीति होती रहेगी, लेकिन ये जानना जरूरी है और हम फिर से इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं, इससे पहले भी जब कार्यक्रम किया था तो हमने इसी बारे में बात की थी, सनातन धर्म दरअसल है क्या और किस तरह से उसे समझा जाता रहा है? इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को जानना भी जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार रहा। आरएसएस के लिए सनातन धर्म भारतीय सभ्यता के मूल्यों के साथ जीने से जुड़ा एक दार्शनिक विचार है और साथ ही हिंदू धर्म। संघ के समय के साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र के विचार को सनातन धर्म से जोड़कर देखा। आरएसएस कहती रही है कि सनातन धर्म सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और ये हिंदू धर्म से ज्यादा व्यापक है और हिंदू धर्म इसी व्यापक दर्शन से निकला। मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, उनका यह मानना है कि यहां पर धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। उस तरीके से आप इसको देखें, अनादि काल से जीने का जो तरीका है उसी को आरएसएस सनातन धर्म कहता है अपने बयान। सभी विचार और मान्यता इसी से निकली। भारत में जिन भी नए पंथों ने शक्ल ली वो सब सनातन धर्म के इसी दर्शन से निकले। 2003 में आरएसएस की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म को हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के बराबर बताया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर सनातन धर्म पर अपने विचार रखते आए हैं। अगस्त 2022 में त्रिपुरा में एक मंदिर के उद्घाटन के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि भारत में खान पान की कई आदतें, कई संस्कृतियां और परंपराएं हैं और इस सब के बावजूद हम सबके बीच एक तरह का संबंध, सभी जो समुदाय हैं उनके विचार में एक भारतीयता है, वो सनातन धर्म का गुणगान करते हैं। हमें सनातन धर्म को बचाना है, ये मैं कोट कर रहा हूं मोहन भागवत, ये उनका बयान। सनातन धर्म सबको अपना मानता है, वो किसी का धर्मांतरण नहीं करता क्योंकि वो जानता है किसी की भी शुद्ध हृदय से प्रार्थना उसके भगवान से जोड़ती। अब इसी साल मार्च में हरिद्वार में भी पतंजलि योगपीठ में एक कार्यक्रम में जब भाग लिया मोहन भागवत ने, तो सनातन धर्म पर उन्होंने अपने विचार रखे। क्या बोला आप सुनिए। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आज के युग में उसके चलते ये जो भगवे वस्त्रों की प्रतिष्ठा आई उसको ओढ़कर उस व्रत को धारण कर हम उसकी कीर्ति को और बढ़ाएंगे, तो इस सनातन को हमको अपने आचरण से लोगों को समझाना पड़ेगा। सनातन धर्म क्या है इस पर हमने जाने माने कवि और लेखक विजय बहादुर सिंह से भी उनकी राय जानी, आइए सुनिए। पहले तो हम सनातन शब्द का अर्थ समझ लें, क्योंकि सनातन जो है उसका अर्थ है कि जो निरंतरता है, जो कंटिन्यू कर रहा हर जगह हर वक्त, वो सनातन है। और उस सनातनता में जो प्रकृति है वो निरंतर सनातन रहती है, इसलिए प्रकृति जो है हमेशा सनातन मानी जाती है। ये जो सनातन शब्द आया है
वस्तुतः ये पुराणों के साथ चलते हुए आया है, लेकिन वेदों के बाद जब बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया तो उन लोगों ने भी सनातन शब्द का प्रयोग किया और ये कहते हुए किया कि जो हम कह रहे हैं वही सनातन है। उन्होंने जो कुछ कहा वो उसमें अहिंसा थी, करुणा थी, सत्य था, शील था, ये सब मानवीय जो गुण हैं उनको सनातनता में शामिल किया गया। बाद में जो पुराणों की सृष्टि हुई तो पुराणों में भी इस बात को कहा गया कि सनातन वही है जो निरंतर है, जो हमेशा एक है और जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब सृष्टि का जो चक्र है जिसको सत और रित कहते हैं वेदों में, वही सनातन है। बाद में चल करके इस सनातन शब्द को पुराणों से इतना ज्यादा जोड़ दिया गया कि मान लिया गया कि जो पुराण कह रहे हैं वही सनातन। अभी जो सनातन की चर्चा आप सुन रहे हैं और निरंतर आम आदमी करता रहता है, उससे पूछिए कि आखिर इस सनातन का अर्थ क्या है, तो शायद ही बता पाए। लेकिन वो यही कहेगा कि भगवान सनातन है, सच सनातन है, आदमी सनातन है, प्रकृति सनातन है। लेकिन मेरी समझ में ये बात आती नहीं है कि ये जो लोग बार बार सनातन धर्म के ठेकेदार होकर के सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, उसका आशय क्या सचमुच धर्म से है या उसका आशय कुछ और है। अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन को कोई नुकसान होगा, क्योंकि अब तक हमने सनातन समझ लिया क्या है, हमने आरएसएस की विचारधारा समझ ली, हमने ये जान लिया उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला। अब आते हैं उसका राजनीतिक परिणाम पर, उसका राजनीति में, आज की जो राजनीति है उसमें उसका असर क्या होगा इस बयान का, क्या ये जो इंडिया गठबंधन है इसको नुकसान होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, राजनीतिक अखाड़े। आने वाले 3-4 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कौन से राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। क्या इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्ष की एकता में दरार डाल पाएगी, क्योंकि उनके आपसी बयानों में तो एक दरार दिखती है या एक मतभेद दिखता है। मन भेद हो गया है या नहीं वो नहीं जानते, एक मतभेद दिखता है। इस पर जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव की राय क्या। ये जो सवाल आपने उठाया है कि सनातन वाली कंट्रोवर्सी का आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खासकर लीडरशिप है वो तो लगातार पिछले कई सालों से जो हिंदुइज्म है या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसके तरफ, मतलब उनका बहुत पॉजिटिव रवैया रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार है, सरकार राम वनगमन पथ, जो ये माइथोलॉजिकल बिलीफ है कि राम जब श्रीलंका गए थे तो जिस रास्ते से गए थे उसमें बहुत बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का पड़ता है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार रही लेकिन उसको टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप नहीं किया, लेकिन भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में उसको प्रायोरिटी से डेवलप करने का काम किया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसका क्या नजरिया है हिंदुइज्म पे या सनातन धर्म पे। वैसे ही अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जो पूर्व सीएम है वो भी कई मंदिर जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो एक कदम और आगे बढ़कर बागेश्वर बाबा तक की सभा करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म वाली कंट्रोवर्सी से 2023 के विधानसभा चुनाव में इस एरिया में कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। हालांकि लोकसभा के समय में अगर ये मुद्दा बना रहा तो शायद ये बात आ सकती है, क्योंकि उस समय चुनाव देश की लीडरशिप किसके हाथ में आएगी, तो जनता ये देखेगी कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप किसके पास है और क्या उसका क्या नजरिया है। देखिए, एक तरफ तो राहुल जी ये बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि करेक्टिव मेजर
कांग्रेस को लेने चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म संभाव को लेकर अगर इंडिया गठबंधन आगे जाएगा तब तो वो चुनाव में एक स्टैंड पे खड़ा हो पाएगा, लेकिन अगर वो जो जिस तरीके का उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है अगर एक्सट्रीम पोजीशन लेगा तो इन इलाकों में जहां पर हिंदुओं की तादाद बड़ी है वहां पर नुकसान होने की संभावना रहेगी लोकसभा चुनाव। 3 दिन पहले ये बयान आया उदयनिधि स्टालिन का, और कल एक छत्तीसगढ़ का लोकल त्योहार था खमर छठ, जो अन्य इलाकों में भी अलग अलग नाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान बलराम का फुल पेज का ऐड दिया है। ये संयोग भी हो सकता है, ये भी इसलिए भी हो सकता है कि इस बयान के बाद ऐसा ऐड देना जरूरी हो, लेकिन मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके बारे में ये कहना कि वो इस पर सनातन के या हिंदुइज्म के घोर विरोध में है, या जिस तरीके का बयान दिया है कोरोना आदि से तुलना की है, उस तरीके के लेवल पर भाजपा चाहे कितना भी प्रयास कर ले यहाँ की लीडरशिप को नहीं ले जा पाएगी। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के समूह G20 के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा, जिसके लिए दुनिया के 40 से भी ज्यादा बड़े नेता दिल्ली में होंगे। इनमें कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इन नेताओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली के एक बड़े इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से कई जगहों की हवाई निगरानी की जा रही है। 1,30,000 जवानों को कई स्तर की सुरक्षा में तैनात किया गया है, लेयर्ड सिक्योरिटी। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल आने शुरू भी हो चुके हैं, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटलों में ठहराया गया है। दिल्ली की सड़कों को नए सिरे से चमका दिया गया है। सड़कों के किनारे पर हजारों गुलदस्ते लगाए गए हैं। फ्लाईओवर्स पर रंग रोगन कर उन्हें नया रूप दिया गया है। रात के वक्त खास रोशनी का इंतजाम है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को भी G20 सम्मेलन के लिए खास तौर पर सजाया गया है। हर अहम स्मारक पर इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग लाइट्स चल रही हैं। फिर वो कुतुब मीनार हो, ये कुतुब मीनार है, रात के अंधेरे में आप देखिए कैसे लाइट उस पर प्रोजेक्ट की जा रही है। लेकिन सबसे अलग लग रही है, जैसे कि हमने आपको इस तस्वीर में दिखाया, रोशनी में नहाई कुतुब मीनार की चमक दूर से ही महसूस की जा सकती है। इसे कई तरह की रंगीन लाइटों से सजाया गया है। कुतुब मीनार पर रोशनी से बनाई गई कई तरह की आकृतियां इसे एक अलग ही रूप दे रही। जो बड़े नेता भारत आ रहे हैं उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्स, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये सब लोग भी शामिल हैं। चीन की ओर से वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह वहां के प्रधानमंत्री ली खियांग, और रूस की ओर से वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में इतने बड़े नेता इससे पहले एक साथ कभी नहीं जुटे। यही वजह है कि इस बार जो इंतजाम है वो भी अभूतपूर्व लग रहे हैं। सम्मेलन के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर वायुसेना भी मुस्तैद है। आसमान से किसी खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर यह बनाया गया। इसके तहत राफेल लड़ाकू विमान से लेकर सुखोई लड़ाकू विमानों को भी तैयार रखा गया। रवीश रंजन जी की यह रिपोर्ट। दुनिया भर के बड़े नेता G20 समिट में हिस्सा लेने दिल्ली आने लगे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाई सुरक्षा का जिम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाल रखा है। आसमान से होने वाली किसी भी साजिश से निपटने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशनल डायरेक्शन सेंटर यानी ODC बनाया है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर के साथ संपर्क में रहेगा।
किसी भी खतरे की स्थिति में ओडीसी यह तय करेगा कैसे उससे निपटा जाए। ये थ्रेट्स को कैटर करने के लिए पहली चीज जरूरत होती है डिटेक्शन की, जिसके लिए ग्राउंड बेस्ड रडार डिप्लॉय किए जाएंगे अप्रोप्रिएट प्लेस पे, और ऑल्सो हवा में उड़ने वाले जो दूर देखने वाले रडार हैं AWC अवैक्स, ये भी डिप्लॉयड होंगे। वेपन्स जो हैं, हर तरह के वेपन्स, एडी गन से लेके MR सैम, मीडियम रेंज सैम, अप 70 किलोमीटर रेंज, आकाश मिसाइल दैट इज़ 25 किलोमीटर रेंज, तो इस तरह के वेपन सब डिप्लॉय किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर ORP एयरबोर्न होगी ताकि क्विक रिएक्शन से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए जहाँ भी ज़रूरत पड़े। जो लड़ाकू जहाज हैं जैसे रफाल हो गया, मिराज 2000 हो गया, Su-30, ये सब अलर्ट पे होंगे, और जितने भी एयरबेसेज हैं दिल्ली के आसपास वो सारे एक्टिवेट होंगे। समिट के दौरान वायुसेना के विमान उड़ान भरते रहेंगे, विमान के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया गया है, जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें भी तैनात हैं। देश में बनी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्रा के साथ साथ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स भी आसमान में रहेगा, आसमान से ही वह हर हरकत पर नजर रखेगा। जो भी एयर के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जो एक थ्रेट बन सकता है, जैसे UAVs हैं, ग्लाइडर्स हैं, बैलून्स हैं, माइक्रोलाइट है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो स्पॉट की जाएगी, जो अनऑथराइज्ड है, अनरिकग्नाइज्ड है, उसको समय रहते न्यूट्रलाइज करना, ये भारतीय वायुसेना के इन सारे कंपोनेंट्स का काम होगा। रफाल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को 24 घंटे तैयार रखा गया है। वायुसेना के साथ जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ड्रोन या आसमान में उड़ने वाली कोई भी चीज समिट में खलल डाल सकती है। G20 के मेहमानों की सुरक्षा के लिए जो अभेद किला तैयार किया गया है, वायुसेना उसका अहम हिस्सा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। अब G20 की बैठक के लिए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर दिल्ली के हर जिले में विक्रांत गाड़ियां भी तैनात की। ये गाड़ियां एंटी रायट इक्विपमेंट और एंटी प्रोटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं। गाड़ी के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड, टॉर्च, चेस्ट प्रोटेक्टर, ग्लव्स, मास्क, टायर किलर जैसे कई उपकरण हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह। पुलिस ने G20 की सुरक्षा को देखते हुए एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है विक्रांत। ये गाड़ियां दिल्ली के हर जिले में लॉन्च की गई हैं। क्या है इन गाड़ियों में खास, बात करते हैं रिंकू से जो दिल्ली पुलिसकर्मी हैं। रिंकू, इस गाड़ी में क्या कुछ खास है, क्या सामान इसमें रखा हुआ है और ये किस काम गाड़ी आती है? ये स्पेशली ये गाड़ी लॉजिस्टिक के लिए बनाई गई है। कोई भी लैंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई सिचुएशन होती है, कोई धरना प्रदर्शन आता है, तो उसमें एट वंस अगर कोई सामान, कोई लॉजिस्टिक की ज़रूरत हो, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इससे तुरंत वहाँ पे जल्दी पहुँचाया जाए, इसलिए स्पेशल व्हीकल बनाया गया है। इससे पहले ऐसा व्हीकल नहीं होता था, अलग अलग मोड होते थे पहुँचाने के, लेकिन एक स्पेसिफिक व्हीकल कर दिया ये ताकि इसी से पहुँचाए। तो अब इसमें क्या क्या सामान है वो आप दिखा कर बताएं हमें, क्या सामान? इसमें मेन ये हैं जैसे HHMD रखी हुई हैं, कहीं पे VIP आता है तो सर्चिंग वगैरह करने के लिए। इनमें टायर किलर्स रखे हुए हैं, रोड पे कहीं ट्रैफिक रोकना हो, किसी को भागने से रोकना हो तो ये टायर किलर हैं। नीचे ये बक्से रखे हैं, इनमें ये हैं सर्चिंग मिरर है, ये कहीं भी पार्किंग वगैरह हम कहीं कोई VIP आता है तो वहाँ अंदर चेकिंग करते हैं इनमें हम, और फिर चेकिंग के साथ में अंदर एंट्री होती है व्हीकल्स की। इसके अलावा इसमें ये एंटी रोइड इक्विपमेंट हैं, शील्ड है, ये फाइबर शील्ड होती हैं। फिर इधर ये हैं जो अपने BP हैं, ब्लड बॉडी प्रोटेक्टर स्टाफ के लिए। फिर आगे आएंगे तो आप देखेंगे ये इसमें सर्च लाइट रखी हुई है। अच्छा, जो रात में कहीं पे अंधेरे में कुछ देखना हो उसके लिए। आगे वेनाकुलर रखी हुई हैं ये। अच्छा, और ग्लव्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी आइटम हैं जैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हैं इसमें, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी हैं। अच्छा, इनमें और ये इसके अलावा ये हेलमेट रखे हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस के एंटी रोइड के। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हेलमेट रखे हैं। तो
इसका व्हीकल का मेन यही है, इसमें सारा लॉजिस्टिक जो है एक जगह रखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जल्दी से और मतलब एफिशिएंट तरीके से पहुंच सकता है। ये क्यू मैनेजर रखे हैं यहाँ पे, और इसमें व्हीकल में सबसे खास बात है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो ये अंदर भी है और बाहर की तरफ भी, आगे और पीछे आप देखेंगे तो दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये किसी भी लोकेशन पे जहाँ पहुँचती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ होगी इसमें। अच्छा। तो वहाँ आसपास जो भी भीड़ है उसको हम देख भी सकते हैं बाद में कि किसकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, किसने कुछ कोई गलत हरकत की हो, तो वो इससे काफ़ी मदद मिलती है। अब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। G20 सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो जो है, जो दिल्ली मेट्रो चलाते हैं, उनसे आग्रह किया था जिससे लोगों और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। इस दौरान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। कुछ स्टेशनों पर VVIP मूवमेंट के वक्त एंट्री और एग्जिट बंद होंगी। G20 के मेहमानों का हर तरह से शानदार स्वागत किया जाएगा, चाहे सुरक्षा हो, चाहे भव्य स्वागत या फिर खाने पीने का इंतजाम। उनके रहने के लिए बड़े होटलों को तैयार किया गया है। उनका खाना भी सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा। G20 के आयोजन के मद्देनजर एक डबल डेकर फूड बस भी लॉन्च की गई। खास बात यह है कि इसमें G20 मेन्यू तैयार किया गया। कैसी है ये डबल डेकर बस और G20 मेन्यू में किन किन देशों के व्यंजन शामिल किए गए, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन यानी G20 सम्मेलन हो रहा है और इसके लिए युद्ध स्तर पर जहां सरकार तैयारी कर रही है, वहीं आम नागरिक भी इसके लिए तैयार हो रहा है। और ना सिर्फ आम नागरिक बल्कि हर सेक्टर G20 की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब ये आप देखिए, मैं इस वक्त साउथ एक्स में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं कि पहली बार फूड बस इंडिया जो है वो डबल डेकर एक लॉन्च किया है, जिसमें स्ट्रीट फूड्स जो है वो यहाँ पर खिलाया जाएगा। और ख़ास तौर पर चूँकि G20 का सम्मेलन है तो इसके वजह से G20 एक मेन्यू जो है वो इस फूड बस में रखा गया है। ये फूड बस आप देख सकते हैं बिल्कुल अनोखा डिज़ाइन है। एक स्ट्रीट फूड कैसे अच्छे तरीके से परोसा जा सकता है, उसकी एक वानगी जो है वो फूड बस के ज़रिए साउथ एक्स में देखने को मिल रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर आपको लेकर चलूंगा और सबसे पहले आपको फूड बस के अंदर का एक नज़ारा दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर G20 मेन्यू को क्यों लॉन्च किया गया है इस फूड बस में। और जो शेफ हैं वो कई सारे देशों में रह चुके हैं, वो बताएंगे कि इस G20 मेन्यू की खासियत क्या है। ये आप देखिए, ये बस के हम निचले तल पर मौजूद हैं, ऊपर आ चुके हैं, दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये फूड बस है और इस फूड बस की कैपेसिटी है 40 लोग एक साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में शेफ हैं, चीफ शेफ हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, थोड़ा सा हमें आप बताइए कि ये कौन कौन से देश के किस किस आपने खाने की वैरायटी को इसमें शामिल किया गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है फूड बस ऑफ इंडिया में। हाँ। और जो फूड बस ऑफ इंडिया है ये एक वुमन लेड इंटरप्राइजेस है और इसके को आइडिएटर मिस आरुषि सिंह और मिस्टर सुखराज सिंह, जिन्होंने ये पूरा आइडिया क्रिएट किया है। तो इनका कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा अलग है, ये डबल डेकर बस है सर, और ये अभी 4 लोकेशंस में है और बहुत सारी लोकेशंस में आने वाली है। हम लोग G20 को देखते हुए हमने भी सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए और कैसे G20 में हम सम्मिलित हों, तो हमने उसको सम्मिलित करने के लिए हमने एक मेन्यू बनाया, मैंने एक मेन्यू ईजाद किया। हाँ। और उस मेन्यू में करीबन 10 देशों का खाना डाला। तो ये आप देख सकते हैं कि G20 के लिए अलग अलग सेक्टर्स ने कैसे तैयारी की है और कोशिश यही है कि जो भारतीय संस्कृति के साथ में हम जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके भी खाने पीने का ख्याल रखें। और यही वजह है कि जो आप देख सकते हैं कि डबल डेकर फूड बस को लॉन्च किया गया है।
दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो रवीश जी ने खाने पीने की बात कर दी, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा है। लेकिन कई यूजर्स G20 के हैशटैग का इस्तेमाल कर भारत विरोधी अभियान भी चला रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्क किया है पूरे सिस्टम। क्या है ये पूरा मसला, आइए जानते हैं। G20 के लिए सजी संवरी दिल्ली में एक एक कर मेहमान आ रहे हैं, सुरक्षा के प्रबंध पूरे हैं। इस सुरक्षा में साइबर सुरक्षा भी शामिल है। एजेंसियों को अंदेशा है कि चीन पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्रोलर ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर G20 बैठक को लेकर फेक न्यूज का अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक जो जानकारियां वायरल हो रही हैं, वो चीनी और पाकिस्तानियों द्वारा संचालित स्रोतों से आ रही हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर को लेकर गलत जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। इनमें ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो ब्लॉक किए जा चुके हैं। वैसे किसी साइबर हमले को लेकर भारतीय एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि साइबर स्पेस इतना फर्टाइल इकोसिस्टम है और उसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में आप आक्रमण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को और साइबर रेडीनेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपनी साइबर सुरक्षा पर और ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ना केवल अपनी G20 प्रेसिडेंसीशिप में उसकी कोई दिक्कत ना आ सके, बल्कि साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर सके कि भारत की जो साइबर प्रभुता और जो सिक्योरिटी संबंधी इंटरेस्ट है उनका भी संरक्षण हो सके। इस तरह के साइबर हमले पहले भी G20 सम्मेलनों के दौरान हो चुके हैं। फरवरी 2011 में पेरिस G20 शिखर सम्मेलन के आसपास एक स्पीयर फिशिंग हमला हुआ, जिसमें वर्गीकृत G20 दस्तावेजों तक पहुंचने के उद्देश्य से फ्रांसीसी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को फिशिंग ईमेल और मैलवेयर अटैचमेंट भेजे गए थे। 2014 में ब्रिस्बेन में G20 बैठक में उपस्थित लोगों के निजी डेटा लीक हो गए थे। जून 2017 में हैम्बर्ग G20 शिखर सम्मेलन को हैकर्स ने निशाना बनाया था। इन सभी खतरों को देखते हुए भारत ने अपने सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास अपने डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो अलर्ट किए गए हैं। इनमें वो 30 होटल्स भी शामिल हैं जहां पर भारत के मेहमान रहने वाले हैं। वैसे जहां सम्मेलन हो रहा है उस इलाके में CERTIN ने घेराबंदी की हुई है और बाकी के इलाकों में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने। पुलिस ने सभी होटल्स को खासकर काफी सख्त हिदायतें दी हुई हैं, जिसमें होटल से कहा गया है कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के तहत ऑपरेट करें और अपने सिस्टम और वाईफाई कनेक्शन के ऊपर सख्त निगरानी रखें। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गई है। राज्य में कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित करने की कवायद चल रही, लेकिन इसके तौर तरीके से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नाराज। उनकी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी शिकायत भी दर्ज की गई। आइए देखते हैं ये पूरा बवाल क्या। करनाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। करनाल में राज्य पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जिला कांग्रेस की बैठक चल रही थी। इसमें हुडा समर्थकों की शैलजा और सुरजेवाला समर्थकों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। हरियाणा में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश में है। राज्य कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने पर्यवेक्षक भेजे, जिससे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मदद मिले। लेकिन अधिकतर जिलों में अध्यक्ष कौन हो, इस सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुडा समर्थकों और शैलजा और सुरजेवाला समर्थकों के बीच भिड़ंत हो रही है। बात इतनी बढ़ गई कि शैलजा और सुरजेवाला शिकायत लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के पास पहुँच गए। और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है, तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जा जा कर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नज़र नहीं आ रही, तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है।
दरअसल हुडा विरोधी खेमे को लगता है कि प्रदेश की पूरी कमान भूपेंद्र सिंह हुडा और उनके बेटे दीपेंद्र हुडा के हाथों में सौंप दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब उदय भान की नियुक्ति हुई तब भी यही माना गया क्योंकि उदय भान हुडा के करीबी हैं। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हुडा के करीबियों को तरजीह शैलजा और सुरजेवाला को रास नहीं आ रही। मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। कोई कांग्रेस के घर को तोड़ने का प्रयास करे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर, नजरअंदाज कर, निराशा की हताश होकर छोड़ दे, ये कभी मंजूर नहीं हो सकता। हरियाणा में सालों साल से कांग्रेस का संगठन कमजोर हालत में है। पिछले कई प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में इसे मजबूती देने का काम नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस में हुडा का दबदबा रहा है, लेकिन अब जबकि जिला स्तर पर संगठन के पुनर्गठन की कोशिश हो रही है तो शैलजा और सुरजेवाला भी उसमें अपना असर चाहते हैं। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के बिष्णुपुर में आज सैकड़ों लोगों ने कर्फ्यू की अनदेखी करके मार्च निकाली। वो सुरक्षा बलों की तरफ से लगाए गए बैरिकेड की तरफ बढ़े। सुरक्षा बलों ने उनको रोकने के लिए कार्रवाई की, उसमें कई लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। मणिपुर के बिष्णुपुर में जख्मी प्रदर्शनकारियों को मोयरंग के अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने कुकी बहुल चुड़ा चांदपुर और मैतई बहुल बिष्णुपुर के बीच में लगाए गए बैरिकेडों की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां छोड़ी। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी यानी COCOMI की तरफ से कुकी जोमी बहुलता वाले चुड़ा चांदपुर की तरफ विरोध मार्च की अपील के बाद चुड़ा चांदपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और राज्य सरकार ने COCOMI से मार्च ना निकालने की अपील की। मैतई बहुलता वाले घाटी के इलाके में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। हम चाहते हैं कि रुकावटों को हटा दिया जाए क्योंकि इनके पीछे मैतई लोगों की जमीन है। हम वहां जाना चाहते हैं और अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। हम तोरबुंग और कंगवाई की तरफ मार्च करना चाहते हैं क्योंकि वहां हमारी जमीन है, उनकी नहीं। सरकार हमारी परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट नेवर सी द इंडियन गवर्नमेंट नेवर सी टुवर्ड्स अस। अधिकारियों का कहना है कि घाटी के 5 जिलों बिष्णुपुर, काकचिंग, थोबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। Disturbance to the law and order at the district borders. कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं सहा जाएगा। हमारे पास पर्याप्त बल हैं। हम नजदीकी जिलों कैकचिंग और बिष्णुपुर से तालमेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी बलों की तैनाती की गई है। कैकचिंग एंड बिष्णुपुर and also with the forces deployed on the other sides. जिन इलाकों से लोग चले गए हैं उनके लौटने के बाद इन इलाकों में दोबारा से माहौल खराब होने का खतरा खड़ा हो सकता है, इसे लेकर सरकार बहुत फिक्रमंद है। बीएम सुनजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।